नरेंद्र मोदी से हमको जो तमाम यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं वहाँ जानकारी लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वैश्विक स्तर पर हम देख रहे हैं कि भारतीय जो व्यंजन है उनकी पहचान बढ़ रही है, उनके बारे में जानकारी लोग ले रहे हैं, और खासतौर पर जब से मोटे अनाजों को लेकर प्रोत्साहन शुरू हुआ है, मोटे अनाजों की लोकप्रियता बढ़ी है, दुनिया भर में लोग जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से मोटे अनाजों से हम नए नए व्यंजन और उत्पाद वो लोगों तक पहुंच रहे हैं, लोग उसके तरफ रुचि दिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मौका है जब दुनिया भर के लोग भारतीय व्यंजन के बारे में जान पाएंगे, और तमाम दुनिया भर की जो फूड प्रोसेसिंग कंपनियां हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक बड़ा निवेश भी आएगा। तो दरअसल वैश्विक स्तर पर किस तरह से जो बदलाव आ रहे हैं और उसमें प्रोसेसिंग सेक्टर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और भारत भी उसमें तेजी से हम देख रहे हैं अपनी भूमिका निभा रहा है, तो एक मंच है जहां दुनिया भर की कंपनियां एक तरह से उनके सीईओ आए हुए हैं और जो भारत के जो अलग अलग व्यंजन है फूड बास्केट है उसको देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, प्रधानमंत्री इस वक्त अवलोकन कर रहा है। बिल्कुल, तो खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन यहाँ पर राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया और इसका उद्घाटन किया। यहाँ पर 80 से ज़्यादा देशों के जो प्रतिभागी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। क्या कुछ यहाँ पर कैसे वेस्ट टू वाव वॉल तमाम चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। भारत की खाद्य संस्कृति की बात हो, भारत के मिलेट्स क्रांति की बात हो, भारत में जिस तरह से इस पूरे खाद्य उद्योग में जिस तरह के नवाचार हो रहे हैं, जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है, स्टार्टअप्स भी इस उद्योग में निकल कर आए हैं, कैसे आज हमारे किसान जो हैं वो वैश्विक मंच पर जाकर भारतीय बीजों का, भारतीय खाद्य का, भारतीय अनाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसे प्रदर्शित कर रहे हैं, उसकी झलक इस वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में नज़र आ रही है। तमाम अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से इस उद्योग में निवेश को बढ़ावा दिया जाए, निवेश को आकर्षित किया जाए, उस लिहाज से भी ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। तो भारत मंडपम से सी तस्वीरें हम यहाँ पर देख रहे हैं और जो इस उद्योग से जुड़े तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो तमाम लोग हैं, उनके लिए भी एक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है। तमाम जो विश्व से आए कंपनीज हैं उनके साथ बातचीत करने का, उनके साथ जो टेक्नोलॉजी शेयर करने की बात हो रही है वो करने की, दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में यहाँ पर भारत को प्रदर्शित करने का एक प्रयास और एक प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ